हेलो एंड वेलकम टू शिवन क्रिएशन। आज हम आपको ये सामने बटन लगा हुआ नाइटी सिखाएंगे। आज मैं बनाऊंगी ये नाइटी। तो ये राउंड प्लीटेड नाइटी है। तो पिछले एक नाइटी मैंने बनाए थे, सेम सेम फॉर्मूला ही सेम बनाऊंगी, लेकिन इसका सामने जो है उस पे बटन बैठेगा। ये नाइटी बनाने के लिए आपको चाहिए 3 मीटर कपड़ा। तो 3 मीटर कपड़ा ऐसे ऐसे मिलता है नाइटी का पीस। तो ये आपको होलसेल मार्केट में मिलेगा, ऐसे नॉर्मल दुकान में ऐसे नाइटी का पीस नहीं मिलता है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप दुकान से 3 मीटर कपड़ा ऐसा दुकान में मिलता है जिसका चौड़ाई है 34 इंच और लंबाई आप 3 मीटर लीजिए। लेके आप 4 फोल्ड कीजिए, जैसे मैंने 4 फोल्ड किया है, 1 2 3 4, 4 फोल्ड करके इसको बनाइए। ये रेडीमेड नाइटी का फॉर्मूला है। तो ये नाइटी बनाने के लिए आपको नीचे कुछ नहीं करना है, सिर्फ गले में और साइड में काटना है। तो ये यहाँ से मैंने लिया है 7 इंच और यहाँ से मैंने लिया है 9 इंच। ये रेडीमेड का फॉर्मूला है। और साइड में मैंने लिया है 3.5 इंच। तो आप 3.5 या 4 ले सकते हैं, 3.5 से 4 लिया जाता है। मैंने पिछले जो नाइटी है उसमें 4 लिया था, तो इसमें मैंने 3.5 इंच लिया है और यहाँ से यहाँ तक 8 इंच लिया है। ये जो कटा जाएगा ये आर्म होल में आएगा। ये तो ऐसे करके काटेंगे यहाँ से यहाँ तक और ये दोनों काट दिए। अब ऊपर से नीचे 1/2 इंच ऐसे पकड़ के काट दीजिए। अब ये इस पे स्लीव्स लगाना है। ये जो गले का जो कपड़ा निकला है, इससे आपको गले का पट्टी निकालना है और स्लीव्स निकालना है। तो गले के पट्टी के लिए आप ऐसे 1 इंच करके आप कपड़ा काट लीजिए, 1 इंच करके। मैंने 1 इंच करके काटा है, ये गले में लगेगा। अब स्लीव्स निकालना है। अब इसको ऐसे पकड़ना है कि स्लीव्स आ जाए। रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक लगेगा स्लीव्स के लिए, फिर आप ऐसे करके काट दीजिए। तो ये स्लीव्स बन गया आपका। ऐसे करके आप बीच से काट दीजिए। तो ये दो स्लिप्स बन गया। देखिए अब गला रेडी करना है। तो इतने बड़े जो गला है इसको आपको 16 या 17 में लाना है। देखिए ऊपर से 4 इंच छोड़ के, उस साइड भी 4 इंच छोड़ के इसको प्लीट देंगे ऐसे करके। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इस पे प्लीट देंगे। आप ऐसे टेप से इसको नापिए कितना हुआ इसका। मेरा हुआ 19 इंच। तो 19 इंच नहीं लगेगा मुझे, मुझे 16 इंच बनाना है। 16 या 17 बनाया जाता है नॉर्मली। अगर आप बहुत हेवी वेट हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें ही चेंज करना है। अगर आप पतले हैं तो आप इसको 16 दीजिए, और अगर आप हेवी वेट हैं तो सिर्फ इस पे 18 दीजिए, और कुछ नहीं चेंज करना है आपको। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो फिर यहाँ से थोड़ा और प्लीट देके इसको 16 तक बना देंगे ऐसे करके। इसको 16 इंच बनाएंगे। फिर ये बनाने के बाद इस पे ये पट्टी लगाया जाएगा। चलिए दिखाती हूँ आपको कैसे इस पे पट्टी लगाया जाएगा। इस पे एक साइड मैं फ्रंट ओपन रखूँगी और पीछे
ऐसा होगा। देखिए मैंने जो स्लीव्स काटा है, आप इसका फॉर्मूला ऐसे काट के रख दीजिए, इसको फॉर्मा काट के रख दीजिए, ताकि दूसरे टाइम अगर आप नाइटी काटे तो आपको ये फॉर्मा आपका रेडी रहे। ये स्लीव्स का, ये साइड का और ये गले का, आप ऐसा तीन फॉर्मा रेडी रखिए। फिर आप जब दूसरे टाइम नाइटी काटेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे नाइटी में। अगर मानिए ये दूसरा नाइटी है, इसको आप काटेंगे तो आप इसको ऐसे साइड में दीजिए और इसको ऐसे करके गले में दीजिए। फिर जब ये दोनों आप काट देंगे, जो यहाँ से निकल जाएगा उसके ऊपर आप, इसके ऊपर आप ऐसे इसको रख के फिर जो है आपका ऐसे करके आप स्लीव्स काट सकते हैं, ताकि बार बार आपको स्लीव्स काटने के टाइम परेशानी ना हो। तो आप ऐसे करके तीन फॉर्मा बना के आप अपने पास रख दीजिए। अब इस साइड से 4 इंच छोड़ के और इस साइड से 4 इंच छोड़ के सिलाई देंगे। देखिए कुछ ऐसे करके सिलाई देना पड़ता है। आप यहाँ से ऐसे करके प्लीट देना स्टार्ट करेंगे। ऐसे छोटा छोटा करके पहले प्लीट देते जाएंगे, ऐसे। एक देने के बाद ऐसे आप चाप को उठाइए। फिर आप ऐसे करके प्लीट देते जाइए। देखिए मैंने यहाँ पे कट लगाए थे, तो जहाँ पे कट लगाए वहाँ तक ही प्लीट देंगे। अब इसको नापिए कितना हुआ इसका। मेरा एकदम 16 हुआ। अगर आप थोड़ा हेवी वेट हैं, मेरा बहुत कमेंट आया है कि थोड़ा हेल्दी वेट के लिए क्या ये सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। मैंने 16 लिया है, आप सिर्फ इसको 18 लीजिए और कुछ नहीं चेंज करना है। अब ये एक साइड हुआ, पीछे के साइड आप ऐसे ही करेंगे। इसका फ्रंट ओपन रखेंगे और पीछे, पीछे आप ऐसे करके सिलाई दे दिया तो आपका पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका फ्रंट ओपन रखेंगे। तो फ्रंट ओपन के लिए यहाँ से 6 इंच तक इसको काटना पड़ता है, यहाँ से 6 इंच तक काटेंगे इसको। तो नाइटी के बीच से मैंने 6 इंच काट दिया। अब यहाँ पे दो पट्टी लगाना है, एक पे बटन बैठेगा और एक पे उसका बटन का होल होगा, घर होगा बटन का। तो बटन का कपड़ा कहाँ से लेंगे, ये जो साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया था, यहाँ से हम बटन का कपड़ा लेंगे। तो 6 इंच काटा है तो उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पहले ऐसे करके रखिए, फिर 3 इंच चौड़ा 9 इंच लंबा कपड़ा चाहिए। यहाँ से 3 इंच आ गया। और यहाँ से लेंगे 9 इंच। जितना काटेंगे उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। मैंने 6 इंच काटा है तो मुझे 9 इंच लेना है। यहाँ से भी 3 इंच पे पॉइंट करेंगे। ये रहेगा 3 और ये रहेगा 9। तो यहाँ से ऐसे करके जोड़ के इसको काट देंगे। अब आपको दिखाएंगे किस कैसे इसको पट्टी लगाएंगे इस पे। अब देखिए
ये ऐसे दो हैं, एक तो पहले इसका उल्टा साइड करेंगे, ये जो है इसके उल्टा साइड से, इसका भी ऐसे, ये सीधा साइड, इसका भी सीधा साइड, यहाँ तक जोड़ेंगे। अब यहाँ तक जोड़ने के बाद देखिए, ये जो है इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे करके आएगा ये। अब देखिए नीचे जो है ऐसा आप खुला रहेगा, पहले ऐसे जैसे बनाए एक साइड, दूसरा साइड भी सेम ऐसे करके बनाएंगे। तो ये सीधा साइड है, इसके नीचे इसका ऐसे, ये सीधा साइड के नीचे इसका सीधा साइड भी ऐसे करके सिलाई होगा। ऐसे करके सिलाई देने के बाद फिर दूसरे साइड जैसे सेम किए थे, इस साइड भी ऐसे थोड़ा सा फोल्ड होके इसके ऊपर आएगा, ऐसा करके दोनों साइड ही सेम। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा है इसको अंदर दे दिया एक साइड, और दूसरे साइड जो है ऐसे सेम करके रख के फिर इसको यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पे फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो है इसको ऐसे और ऐसे करके फोल्ड करेंगे, ऐसे करके, ताकि दोनों कॉर्नर सेम आए, ऐसे आधा फिर ऐसे आधा करके यहाँ पे बिठाएंगे, आप सिलाई देंगे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। फिर इस कॉर्नर से यहाँ तक आएगा। फिर ऊपर जाएगा। अब जहाँ पे जॉइंट है, जहाँ से जॉइंट स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे आके आप इसको ऐसे रख के यहाँ पे ऐसे करके लॉक कर दीजिए। देखिए ये मेरा रेडी हो गया। अब गले में जैसे पट्टी लगाते हैं सेम करके पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ पे पट्टी लगाएंगे, तो जो मैंने काटे थे देखिए, पहले इसके साथ ऐसे, ये सीधा साइड, ये सीधा साइड, इसके नीचे ये ऐसे करके लगाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, थोड़ा सा। फिर इसको ऐसे करके इसके ऊपर से सिलाई देना है, इसको पलट के इसके ऊपर ऐसे करके देना है, ऐसे करके सिलाई देते जाएंगे। और अंदर जो है थोड़ा कट लगा लीजिए, तो ये अच्छे से बैठ जाता है। तो ऐसे करके
और जो एक्स्ट्रा रखे थे उसको अंदर से देख के एक साइड मैंने ऐसे करके तैयार कर लिया। अब ये जो दूसरा साइड है आप सेम ऐसे करके तैयार कीजिए। देखिए ये पीछे का साइड है, पीछे का साइड भी सेम ऐसे करके प्लीट देके 16 में लाना है पीछे का। देखिए पीछे का पार्ट मैंने ऐसे करके तैयार कर लिया प्लीट देके। अब पीछे का पार्ट में ये जो पट्टी है ये ऐसे करके इसके ऊपर बिठाया जाएगा, और जैसे सामने मैंने सिलाई किया है ऐसे करके फोल्ड करके, तो ऐसे करके पूरा सिलाई देंगे पीछे का पार्ट में। अब ये दोनों साइड शोल्डर को जोड़ेंगे। स्लिप्स का नीचे मैंने ऐसे करके फोल्ड करके सिलाई कर दिया। अब स्लिप्स लगाएंगे। अब स्लिप्स को नीचे जोड़ने के बाद इसके साथ बिठाएंगे, तो ये इसको ऐसे खोल के, इसको भी ऐसे खोल के इसके ऊपर, इसका बीच और इसका बीच ऐसे सेम रख के मैं यहाँ से ये दोनों को इस साइड भी ऐसे करके, और पहले इसका बीच और इसका बीच सेम रखेंगे, फिर ऐसे करके यहाँ से भी मैं सिल दूँगी। यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर देंगे और ऐसे सिलाई करने के बाद ऐसे पलट देंगे तो स्लीव्स रेडी हो जाएगा। अब स्लीव्स मैंने जोड़ दिया। अब उल्टा साइड से यहाँ से लेके इस एकदम साइड से ऐसे करके आप नीचे तक जोड़ दीजिए। एंड तक मैंने सिल दिया है। अब नीचे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके यहाँ से सिलाई देंगे और इस पे सिर्फ बटन लगाना बाकी है, तो ये पूरा रेडी हो जाएगा। यहाँ से 2 इंच छोड़ के मैंने 3 बटन लगाए, 1 2 3। अब इसका घर बनाएंगे, तो जहाँ पे बटन है उसके ऊपर ही मैंने स्टिच ओपनर लिया है। आप छोटा कैंची से भी इसका घर बना सकते हैं। तो ऐसे देख के इसको ऐसा करेंगे तो देखिए ये बन गया। अब इसको सिलाई का कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। पहले इसका 3 जो है इसके ऊपर ऐसे करके इसको 3 घर बनाएंगे। देखिए बॉटम होल स्टिच कैसे करते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा काट दिया मैंने। अब आपको इस पर स्टिच करके दिखाती हूँ। यहाँ से ऐसे करके सुई को लेके फिर ऐसे, मैं कॉन्ट्रास्ट में कर रही हूँ ताकि आप समझ सके अच्छे तरह से, ऐसे करके फिर सुई को यहाँ से लेके यहाँ पे। फिर ऐसे, फिर सुई को, धागा को ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे करके इस पे पूरा मैं करूँगी। देखिए ऐसा करके मैंने एंड तक आ गई। अब ऐसा करके अब इसको लॉक कर दीजिए। तो ऐसा करके आप ये जो नाइटी का 3 है, 1 2 3, यहाँ पे आज जो है बटन का घर, तो ऐसे करके 3 बनाइए आप। देखिए मेरा नाइटी रेडी है। इस पे मैंने सामने बटन लगाना सिखाया आज आपको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ बोलना है या कुछ भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। नमस्ते।